सहारनपुर से सामने आया एक चौंका देने वाला मामला। 70 साल के बुजुर्ग पर लगा बेटों के साथ मिलकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप। पीड़ित ने मुख्यमंत्री तक भेजी अपनी शिकायत की अर्जी। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे, बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। सहारनपुर के देवबंद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 70 साल के बुजुर्ग पर 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोप है कि इस कृत्य में बुजुर्ग के दोनों बेटों ने भी उसका साथ दिया। पीड़िता के परिजनों ने इस मामले में पुलिस को तहरीर सौंपी है। तहरीर के आधार पर पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। यह मामला भायला पुलिस चौकी क्षेत्र का है। यहां एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर पड़ोस में रहने वाले 70 साल के बुजुर्ग पर 16 वर्षीय अपनी भतीजी के साथ जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। तहरीर के अनुसार बुजुर्ग के दोनों बेटों पर भी किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगा है। पीड़ित का कहना है कि वह अपनी पत्नी के साथ किसी काम से बाहर गया हुआ था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले दो भाई उसके घर आ पहुंचे और उसकी भतीजी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। जब वह घर पर वापस लौटे तो उन्हें इस मामले की जानकारी हुई और उनके होश उड़ गए। फिलहाल मामले में पीड़ित व्यक्ति ने मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय महिला आयोग, DIG और SSP को शिकायती पत्र भेजा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर इंस्पेक्टर संजीव कुमार का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्रथम दृश्य मामला मारपीट का प्रतीत हो रहा है। किशोरी का मेडिकल परीक्षण करवाया जा रहा है। मेडिकल जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस आगे की कार्यवाही करेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सहारनपुर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहें सिटी वेब सहारनपुर पर।